Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. How are you all? I hope that you are all very, very well and enjoying good health. So, I am here with you today with the recipe of Nahari masala, which is homemade and very, very flavorful and fragrant. So, देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए. ये है हाफ टी स्पून काला जीरा और एक टेबल स्पून ली है सौंफ. उसके अलावा हमें चाहिए एक बड़ी इलायची ली है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का, दो लौंग लिए हैं, लौंग पेपर है जिसको पीपली भी बोलते हैं, फिलफिल दराज भी बोलते हैं, ये आपको दवा खाने से मिलेगी, और ये 18-20 काली मिर्ची हैं साबुत, और एक टेबल स्पून धनिया साबुत लिया है, और दो तेज़ पत्ते हैं, तेज़ पात भी बोलते हैं इनको. तो एक चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर लिया है, और क्रश ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ. तो ये ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, और सौंठ का पाउडर जो ड्राई जिंजर होता है उसका पाउडर 1/4 टीस्पून हमें चाहिए. तो ये जो साबुत चीज़ें हैं इनको हम पहले मिक्सी में उसमें मसाले वाले जार में कर लेंगे ग्राइंड. तो उसके बाद हम नमक मिर्च और हल्दी इसमें ऐड करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे पास साबुत थी. कुछ चीज़ें मेरे पास साबुत थी, कुछ का पाउडर था जैसे जिंजर पाउडर पड़ा हुआ था. तो अगर आपके पास साबुत है तो आप इस स्टेज पर वो इसको पीस सकते हैं. तो बस एक दो मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा. बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दरदरे मसाले अच्छे लगते हैं, उनकी खुशबू भी अच्छी होती है. तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, इसको ग्राइंड कर लिया. अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च और हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और हाफ हाफ टेबल स्पून है हल्दी, और 1 टेबल स्पून फुल है मेरे पास घर की पिसी हुई लाल मिर्च. ये घर में हम मिर्चें ला के साफ़ करके पिसवाते हैं, तो इसलिए इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. अगर आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसकी. इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, घर की पिसवाई हुई है. तो इनको हम कर लेते हैं मिक्स जो मसाला पीसा था उसके साथ. तो ये देखें हमारा होममेड नहारी मसाला माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है. इसका कलर देखें आप, इसकी खुशबू जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा. और जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो क्वांटिटी है तकरीबन 1 किलो नहारी 1 किलो गोश्त के लिए, अगर आप बनाएं तो इसके लिए इनफ़ है. अगर आप ज़्यादा की बनाना चाहते हैं तो इसको क्वान्टिटी को आप डबल भी कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहारी वगैरह पाए वगैरह बहुत हैवी फूड्स होते हैं, तो इनको हम कभी कभी बनाते हैं, तो फ्रेशली बना लें तो ज़्यादा अच्छा है. सो आई डू होप व्यूअर्स आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुझे दुआ में याद रखें. टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.